हमारे शेखावाटी का मुख्य खाद्यान्न बाजरा। ये लोकेजी मेवाड़ के मक्का खाने वाले, गेहूं खाने वाले। हमारे वहां झुंझुनू में पिलानी कवि से मिलन था, अगले दिन कोई कवि से मिलन नहीं था, उससे अगले दिन निम्बाड़ा कवि से मिलन। मैं लोकेश जी ने पूछ लिया, मैंने कहा यार कल कहाँ रुकेगे? बोला कल जयपुर होटल में किराया कमरा ले लूंगा। मैंने कहा गलत बात, मेरे घर चलो, मैं भी खाली हूँ, कल अपने को साथ चल नहीं है। मैं इनको अपने घर पे लेके गया। घर पे जैसे ही पहुंचा तो बाजरे का खलियान तैयार था, हमारा बाजरा खाते हैं, और भाई लोगों बाजरे का ढेर लगा हुआ। तो लोकेश जी ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा बाजरा है, हमारा मुख्य खाद्यान्न है। लोकेश जी ने बाजरे की एक मुट्ठी भरी मुंह में खाया। बाजरा कच्चा भी स्वाद लगता है, कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा बाजरा खाया, स्वाद लगा। बोले यार ये तो बहुत गजब का अनाज, कच्चा ही खाते होगे तुम इसको? मैंने कहा नहीं कच्चा नहीं, इसको पहले ओखड़ में डालते हैं, फिर मूसली से एक घंटे तक कूटते हैं, फिर इसकी राबड़ी बना के खाते हैं। यूं करते हुए दो चार फाकी और मारी। बोले यार तुम तो अन्याय करते हो, ये बाजरा तो कच्चा ही बहुत स्वाद लगता है, तुम इसको मारते पीटते हो, इसके साथ अन्याय करते हो, तुम पापी हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो, बेचारे बाजरे को पीटते हो। ऐसे करते करते 1.5 किलो बाजरा खा गए भाई लोगों। 1.5 किलो बाजरा खाएगा रात का तो सोएगा, रात को तो सो गई, लेकिन सुबह एक लोटा लेके, उस टाइम ये नरेंद्र मोदी जी वाली 12-12 हज़ार वाली योजना नहीं चली थी, स्वच्छ भारत अभियान भी नहीं था, किसी डोड़ी के पास बैठ कर नेटवर्क सर्च करना पड़ता था। एक लोटा लेकर किसी मेड़ के पास बैठ गए, रात को 1.5 किलो बाजरा खाए हुए सुबह 1.5 घंटे तक अथक प्रयास करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं है। रिजल्ट नहीं निकला बल्कि आंखें निकलने लगी, बाहर चेहरा तमतमा के लाल चुट, और जैसे बैठे थे 1.5 घंटे बाद वैसे के वैसे खड़े होकर पसीना पोंछते हैं। बोले यार गजेंद्र, अरे बोले यार गजेंद्र तेरे बाजरे के तो लकड़ी जूत खड़ी लगे रहे। बोले